झारखंड रेल पुलिस की तरफ से देशवासियों और राज्यवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं तथा स्टार डी न्यूज चैनल की सफलता की कामना करता हूं और भविष्य में प्रार्थना करता हूं। आप 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप रांची नगर निगम के जितने हमारे सम्मानित नागरिक गण हैं, आप सभी लोगों को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और स्टार डी न्यूज को भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम को भी, और इसी तरह से आप बेहतर काम करते रहें। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ, मैं रांची का सिटी एसपी बोल रहा हूँ, और मैं सभी रांची वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और देखते रहिए स्टार डी न्यूज। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर स्टार डी न्यूज को के चैनलों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और याद रखिए, जीवन बहुत मूल्यवान है, ट्रैफिक नियमों का। तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम डेंटल क्लिनिक, चेक पोस्ट, नगरी रांची, डॉक्टर नरेश कुमार। मैं मोहम्मद आमिर अली, स्टार डी न्यूज में आपका स्वागत है। 15 अगस्त महज एक तारीख नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक जज्बात है। जी हाँ, 15 अगस्त यह वही तारीख है जब हमारा देश अंग्रेजी गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आजाद हुआ था। हर बार की तरह इस बार भले ही बहुत भीड़ भाड़ या लोगों का जमाव नहीं दिखा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हर एक गली मोहल्लों में लहराता तिरंगा जरूर देखने को मिला। यही पहचान है हमारे भारतीय होने की। हम अपनी परंपरा और देश प्रेम के आगे किसी को भी नहीं आने देते। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत, कोरोना वायरस, संप्रभुता, बदलाव, महिलाओं और हमारे देश के अन्नदाता यानी किसान भाइयों को भी शामिल किया। हमारे राज्य के सीएम ने देश के नाम संबोधन किया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने। दिवस के शुभ अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा एवं वीर सिद्धू कानू के इस बलिदानी भूमि पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह जैसे चमत्कारी व्यक्तित्वों के साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा, अमर शहीद सिद्धू कानू, नीलांबर, पीताम्बर, शेख भिखारी जैसे सपूतों के प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इन महान विभूतियों की महानता, उनका कुशल नेतृत्व, कर्मठता, दूरदर्शिता एवं संघर्ष गाथा आज भी हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायी है। हमारे स्वतंत्र भारत के नींव में असंख्य राष्ट्रभक्तों और महापुरुषों का त्याग और समर्पण समाहित है। इस महापर्व पर देश की स्वाधीनता के लिए अपना अमूल्य योगदान देने वाले सभी स्वतंत्र सेनानी को कोटि कोटि वंदन। इस पावन अवसर पर अपने साहस और शौर्य से देश की सीमा की सुरक्षा में समर्पित सभी वीर सैनिकों को मैं नमन करता हूँ। लद्दाख क्षेत्र के गलवान घाटी में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए झारखंड के वीर गणेश हाजदा और कुणाल ओझा तथा कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते शहीद हुए कुलदीप उरांव को सत सत नमन करता हूँ। सरकार सभी वीर शहीदों की शहादत को नमन कर उनके परिवार को सम्मान देने का कार्य कर रही है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे देश की सेना और जवान के अदम्य साहस और वीरता के प्रदर्शन से हर देशवासियों का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। उन्हीं की तरह झारखंड के हमारे वीर श्रमिकों ने दशकों से देश की सीमाओं पर सड़क का निर्माण अपने खून पसीने से किया है। वीर श्रमिकों के खून पसीने से आज लेह लद्दाख की मिट्टी में झारखंड की मिट्टी घुल मिल गई है। देश की अर्थव्यवस्था में ही नहीं, देश की सुरक्षा और रक्षा में भी झारखंड वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। रोड वॉरियर से कम नहीं है हमारे झारखंड के वीर श्रमिक। सीमा की सुरक्षा हेतु दुर्गम सड़क निर्माण के दौरान झारखंड के वीर सपूत
शिव ठाकुर सोरेन का बलिदान झारखंड हमेशा याद रखेगा। झारखंड को सकारात्मक नेतृत्व प्रदान करने, राज्य के सामाजिक न्याय और भाईचारा स्थापित करने के साथ साथ समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने, प्रगतिशील मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारी सरकार का गठन हुआ है। अतुलनीय प्राकृतिक सौंदर्य एवं खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड राज्य में विकास की असीम संभावनाएं हैं। राज्य की जनता ने हमें स्पष्ट जनादेश देकर जो विश्वास और भरोसा जताया है, इसके लिए मैं हृदय से जनता का आभारी हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अपने रचनात्मक सहयोग से, आपके सहयोग से झारखंड को एक सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। प्यारे झारखंड वासियों, मैं जब भी राज्य के प्रतीक चिन्ह को देखता था तो मुझे महसूस होता था कि यह झारखंड की संस्कृति, धरोहर, वन संपदा तथा समृद्धि को प्रतिबिंबित नहीं करता है। इसलिए मैंने इसमें संशोधन की आवश्यकता महसूस की और मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि झारखंड को एक नया प्रतीक चिन्ह मिल गया है जो संस्कृति, धरोहर, वन संपदा एवं समृद्धि को ही को सही रूप से प्रतिबिंबित कर रहा है। आप जानते हैं कि वर्तमान में भारत सहित संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी के चपेट में है और स्वाभाविक रूप से हमारे राज्य भी इस घातक वायरस के प्रकोप से अछूता नहीं है। वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार इस वायरस का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, यह मानव जीवन के समक्ष सबसे गंभीर चुनौती बन गया है। कोरोना वॉरियर के रूप में दुनिया में अब तक करोड़ों लोग संक्रमित हो चुके हैं तथा लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं। हमारी सरकार इस महामारी से लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी के साथ पूरे देशवासियों को स्टार डी न्यूज के समस्त परिवार जनों की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। झारखंड रेल पुलिस की तरफ से देशवासियों और राज्यवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं तथा स्टार डी न्यूज चैनल की सफलता की कामना करता हूं और भविष्य में बेहतरीन करता हूं। आप 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप रांची नगर निगम के जितने हमारे सम्मानित नागरिकगण हैं, आप सभी लोगों को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्टार डी न्यूज को भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम को भी, और इसी तरह से आप बेहतर काम करते रहें। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ, मैं रांची का सिटी एसपी बोल रहा हूं और मैं सभी रांची वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और देखते रहिए स्टार डी न्यूज। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर स्टार डी न्यूज को के चैनलों को मैं बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं और याद रखिए जीवन बहुत मूल्यवान है, ट्रैफिक नियमों का। तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम डेंटल क्लिनिक चेक पोस्ट नगरी रांची, डॉक्टर नरेश कुमार। आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर